पैसे तो वापस कर दो। पिए थे मांग रहे हो? वो नोट तो 2 रुपए का था। अरे तो ये लकड़ी 2 रुपए की है। 2 रुपए मिट्टी से लकड़ी? और नहीं तो क्या, 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे? अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सैयद इश्तियाक अहमद के बारे में, जो बॉलीवुड के जाने माने प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जगदीप के नाम से मशहूर थे। आज की कहानी इन्हीं पर आधारित है। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमें आपको बताते हुए खेद है कि जगदीप साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को आज भी याद किया जाता है। जी जी, इन दोनों में से हमारा नाम कौन सा है? अरे साले ये तो हमें भी पता नहीं चल रहा, तू दोनों को पकड़ ले, डबल पैसे मिलेगा। अरे कैसे पकड़ लूं? देख नहीं रहे हो तेवर, ये तो घोड़ा पछाड़ सांप है, हमारे झुंझुने बजा देगा। जगदीप साहब का जन्म 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दलिया गांव में हुआ था। इन्होंने 50 साल की उम्र में 33 साल की छोटी लड़की से शादी की थी, जिसकी वजह से काफी विवादों में भी घिरे रहे। दोस्तों जगदीप साहब को दुनिया में सूरमा भोपाली के नाम से भी जाना जाता है। 16 फिल्म के सूरमा भोपाली हिंदी फिल्म जगत के एक शानदार कॉमेडी कलाकारों में से एक थे। वैसे तो जगदीप साहब ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन 16 फिल्म उनके लिए एक वरदान साबित हुई। इस फिल्म से उन्हें रातों रात बेशुमार दौलत हासिल हुई। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। दोस्तों वैसे जगदीप साहब ने लगभग 400 फिल्मों में अपना शानदार अभिनय दिखाया, मगर उन्होंने बतौर बाल कलाकार बीआर चोपड़ा की अफसाना फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों जगदीप साहब के पिताजी एक वकील थे। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, उसी साल जगदीप साहब के पिताजी भी चल बसे। पिताजी के गुजर जाने के बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी के कारण दर दर भटकने लगा। एक दिन जगदीप की माताजी परिवार सहित जगदीप को लेकर मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद उनकी मां बच्चों का पेट भरने के लिए आश्रम में काम करने लगी। दोस्तों जगदीप साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मां का बुरा हाल देखकर वे बहुत रोया करते थे। उन्होंने मां की मदद करने के लिए स्कूल भी छोड़ दिया था और सड़क किनारे बैठकर साबुन, कंघी और पतंग बेचा करते थे। ये सामान बेचकर वे 1.5-2 रुपया रोज कमा लिया करते थे। दोस्तों एक बार बीआर चोपड़ा अफसाना फिल्म बना रहे थे। फिल्म में उन्हें सीन के लिए एक बाल कलाकार की जरूरत थी। एक दिन उनकी नज़र सड़क किनारे सामान बेचते हुए 11 साल के लड़के पर पड़ी और उन्होंने जगदीप साहब को इस फिल्म में काम करने का मौका दिया। बताया जाता है कि जगदीप साहब फिल्म में काम करने के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि सड़क किनारे सामान बेचकर वे पूरे दिन में 1.5-2 रुपया कमाते थे और फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 4 रुपये मिला करते थे। अफसाना फिल्म के बाद जगदीप साहब धीरे धीरे फिल्मों में दिग्गज हास्य कलाकार महमूद, जोनर और मुकरी जैसे कलाकारों के बीच अपनी जगह बनाई। दोस्तों जगदीप साहब की तीसरी शादी का किस्सा बड़ा ही हैरान कर देने वाला है। एक दिन जगदीप के छोटे बेटे नावेद जाफरी को देखने के लिए लड़की वाले आए थे। उस समय नावेद ने शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। कहते हैं नावेद से जिस लड़की की शादी होने वाली थी उसी की बहन पर जगदीप का दिल आ गया। हैरानी की बात तो ये रहेगी, लड़की भी शादी के लिए तैयार हो गई। जगदीप साहब की तीसरी पत्नी नाजिमा उनसे 33 साल छोटी थी। दोस्तों कहा जाता है जगदीप साहब की शादी से उनके बड़े बेटे जावेद जाफरी बहुत नाराज थे। जगदीप साहब की पहली पत्नी के 2 बेटे जावेद जाफरी, नावेद जाफरी। जगदीप और नाजिमा की एक बेटी है जिसका नाम मुस्कान है। मुस्कान जावेद जाफरी के बेटे से 6 महीने छोटी है। दोस्तों सड़क पर सामान बेचने वाला मामूली लड़का, इस दुनिया को हंसाने वाले इतने बड़े कलाकार 8 जुलाई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों अगर आप भी जगदीप साहब के फैन हैं तो हमें कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।